देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। कोरोना वायरस की शुरुआत। वुहान कोरोना वायरस विश्वमारी 2019-20 की शुरुआत एक नए किस्म के कोरोना वायरस 2019 नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के रूप में मध्य चीन के वुहान शहर में 2019 के मध्य दिसंबर में हुई। बहुत से लोगों को बिना किसी कारण निमोनिया होने लगा और ये देखा गया कि पीड़ित लोगों में से अधिकतर लोग वुहान सीफूड मार्केट में मछलियां बेचते हैं तथा जीवित पशुओं का भी व्यापार करते हैं। चीनी वैज्ञानिकों ने बाद में कोरोना वायरस की एक नई नस्ल की पहचान की, जिसे 2019 नोवल कोरोना वायरस प्रारंभिक पदनाम दिया गया। इस नए वायरस में कम से कम 70% वही जीनोम अनुक्रम पाए गए जो सार्स कोरोना वायरस में पाए जाते हैं। संक्रमण का पता लगाने के लिए एक विशिष्ट नैदानिक PCR परीक्षण के विकास के साथ कई मामलों की पुष्टि उन लोगों में हुई जो सीधे बाजार से जुड़े हुए थे, और उन लोगों में भी इस वायरस का पता लगा जो सीधे उस मार्केट से नहीं जुड़े हुए थे। पहले ये स्पष्ट नहीं था कि ये वायरस सार्स जितना ही गंभीर या घातक है अथवा नहीं। आइए जानते हैं वायरस कैसे और किन जानवरों से इंसान में आया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चीन के किसी इलाके में एक चमगादड़ ने आकाश में मंडराते हुए अपने लीद के जरिए कोरोना वायरस का अवशेष छोड़ा जो जंगल में जमीन पर गिरा। एक जंगली जानवर संभवतः पेंगोलिन ने इसे सूंघा और उसी के जरिए बाकी के जानवरों में ये फैल गया। संक्रमित जानवर इंसान के संपर्क में आया और एक व्यक्ति में उससे वो बीमारी आ गई। इसके बाद वाइल्ड लाइफ मार्केट के कामगारों में ये फैलने लगी और इसी से वैश्विक संक्रमण का जन्म हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वैज्ञानिक इस कहानी को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस जानवरों से फैला। जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के प्रोफेसर एड्रू कनिंगम कहते हैं कि घटनाओं की कड़ी जोड़ी जा रही है। वो कहते हैं कि ये खोज जासूसी कहानी की तरह मालूम पड़ती है। क्या मांसाहार भोजन लोगों को छोड़ना होगा? एक नई स्टडी के अनुसार केवल इंसान ही इन महामारियों के शिकार नहीं है। प्रकृति के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ की जा रही है उससे इन महामारियों को बढ़ावा मिलता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वेटनरी स्कूल में रिसर्चर क्रिस्टीन जॉनसन कहती हैं, इंसान ही विषाणुओं को जानवरों से इंसान तक का रास्ता दिखा रहे हैं। अगली महामारी का चुपचाप इंतजार करने से पहले हमें जरूरी कदम उठाने होंगे। साइंस जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द रियल सोसाइटी बी बायोलॉजिकल साइंसेज में हाल ही में इस सिलसिले में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंसान की गतिविधियों ने कई प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा दिया है। इतना ही नहीं, जानवरों की दुनिया की चीजें हमारी दुनिया में दाखिल हो रही हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी बेजा दखलअंदाजी ने संकट की परिस्थिति खड़ी कर दी है, जैसे कि हम अभी COVID-19 की महामारी से गुजर रहे हैं। वायरस से होने वाली महामारियां साल 2019 में प्रतिष्ठित अमेरिकी विज्ञान पत्रकार डेविड क्वाममेन ने अपनी किताब स्प्लोवर एनिमल इन्फेक्शन एंड द नेक्स्ट ह्यूमन पेंडेमिक ने इस बारे में चेतावनी दे दी थी। डेविड क्वाममेन ने अपनी किताब में जानवरों से इंसानों तक पहुंचने वाली वायरस जनित महामारियों की लंबी लिस्ट बताई है। HBN न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं करता।